My name is Dr. Nurul Huda and I'll be moderating this session for today. CPEC के एक और लाइव सेशन में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। My name is Dr. Nurul Huda। जैसे कि आप जानते हैं, CPEC के इन फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल सेशंस का मकसद ये होता है कि एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का रॉ नॉलेज और एनालिसिस आप तक डायरेक्टली पहुंचाया जा सके, ताकि उनकी वैल्यूएबल इनसाइट से आप फायदा उठा सकें और कल जब आप एग्जाम में बैठें तो यही नॉलेज और यही एनालिसिस और यही रिफ्लेक्शन आपके पेपर में भी आ सके, ताकि ना सिर्फ आप ये साबित कर सकें कि हम इस एग्जाम में ना सिर्फ पास होने के अहल हैं बल्कि वी आल्सो डिजर्व टू सिक्योर आवर डिजायर्ड एलोकेशन। यही एनालिसिस और यही आर्गुमेंटेशन की टेक्निक्स जब आपके अंदर पैसिवली इनकलकेट की जाएगी तो कल जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। इसी स्पेशल सेशंस की सीरीज में आज जो हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये टॉपिक दिस हैज बीन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स ओइंग टू इट्स अल्टीमेट नेचर। ये टॉपिक डोइंग टू सम रीसेंट डेवलपमेंट्स सीएसएस 2022 के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए इस सेशन को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सीएसएस 2022 के क्वेश्चंस में आपको भरपूर मदद हासिल हो। आज के इस स्पेशल सेशन के लिए हमारे पास जो गेस्ट लेक्चरर मौजूद हैं, he is none other than Sir Arslaan Jahid Khan। Sir Arslaan को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, his achievements do not beg a description, but just to go by the books, Sir Arslaan is a qualifier of CSS 2019 and he has been a mentor of CSS current affairs and international relations for the past few years। इसी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के तहत आज का तो जो टॉपिक है जो सर अरसलान जिस पर हमें आगाह कर रहे होंगे, दैट इज मैपिंग द अफगान वॉर, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इज इट गोइंग टू एंड। नाज़रीन, आज का ये सेशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में सर अरसलान जाहिद खान हमें अपनी मालूमात से आगाह करेंगे और अफगान वॉर की सारी न्यूएंसेस और इन्स एंड आउट्स के बारे में हमें मालूमात फराहम करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसके अंदर हम सर अरसलान से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, लिहाजा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपके सवालात मुझ तक पहुंच सकें और उनके जवाब मैं सर से हासिल कर सकूं। सो विदाउट फर्दर अडू हम सर अरसलान की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम हुदा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया आपका। आज अफगानिस्तान का टॉपिक पे बात होगी आपके फोरम से। अफगानिस्तान का जो मसला है इसकी हिस्टोरिकल रूट्स का एक बीइंग अ सीएसएस एस्पायरेंट इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, और हिस्टोरिकल रूट्स के साथ साथ इस अफगानिस्तान का जो मसला है इस पे हम बात करेंगे कि आज जो अफगानिस्तान में पीस डील हो रही है, इस पीस डील के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। इसमें मैं लेक्चर के साथ साथ जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस भी लूंगा। इसमें आप किसी तरह से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें वो आप भी पूछ सकती हैं, और मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। The whole team CEPI is very much honored and humbled to have you here, and without further ado you can formally start the session। It's my pleasure जी, thank you। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हुदा, सबसे पहले एक दफा आप काइंडली देख लीजिएगा, लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली, क्योंकि एक दफा हम जब इसको स्टार्ट कर लेंगे तो बाद में जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे होंगे उसमें फिर उनको प्रॉब्लम होगा समझने में चीजों को। तो इसमें देख लें अगर हमारे पास लोग आ चुके हैं ऑनलाइन और वो हमें सुन रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम इसमें एक दो मिनट वेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वी हैव सफिशिएंट व्यूअर्स विद अस, सो आई थिंक यू वी कैन गिव गुड। चलें जी, एक सेकंड बस लीजिएगा। अच्छा जी, हम बात स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो बात करते हैं जी अफगानिस्तान जी सीएसएस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको एग्जामिनर हर दफा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश एसे या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में और खास तौर पे यूएस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जरूर इसको टच करता है और ये हर साल किसी ना किसी तरीके से ये आता है। बीइंग अ सीएसएस एस्पायरेंट ये बहुत जरूरी है कि आपको अफगानिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं इसके उसका पता होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं सबसे पहले अफगानिस्तान का हिस्टोरिकल रूट्स पे बात करता हूँ कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान किस तरह से डेवास्टेशन का शिकार था और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें आज देखने को मिलते हैं। आज अफगानिस्तान के अंदर जो डेवास्टेशन, अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल खड़े हैं उसकी इनकी वजूहात क्या है, अफगानिस्तान का मसला क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक हम अफगानिस्तान का हल कोई निकाल नहीं सके, और क्या इन फ्यूचर जो इस टाइम एक पीस डील चल रही है, इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहा है और अमेरिका उसके अंदर, पाकिस्तान उसके अंदर और मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं पीस डील के लिए, क्या इन फ्यूचर इन द लॉन्ग रन ये पीस डील को जो है इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा एजेंडा होगा आज के लेक्चर का। तो बात हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखें व्यूअर्स कि कोई भी मुल्क जब आप दुनिया का नक्शा देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, इस वर्ल्ड मैप के अंदर कुछ ममालिक एक ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ ममालिक ऐसी टेरिटरी, ऐसी ज्योग्राफी में पाए जा रहे होते हैं जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह बहुत अहम होती है। और हमेशा याद रखें एक मुल्क जो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर पाया जा रहा हो वो ज्योग्राफी उस मुल्क के लिए एसेट से ज्यादा उसकी लायबिलिटी ज्यादा कंसिडर होती है, वो ब्लेसिंग से ज्यादा कर्ज जो है वो के तौर पर उसको कंसिडर किया जाता है। वो उसके लिए ब्लेसिंग नहीं होती, वो कर्ज होती है, उसके लिए रहमत नहीं होती, जहमत होती है। सेम इज द केस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पिछले 200 साल से डेवास्टेशन का शिकार है, जंगों का शिकार है, सिविल वॉर्स, रेवोल्यूशंस का शिकार है। तो एक मुल्क जो 200 सालों से जंगों का शिकार है वहां पर इन द शॉर्ट टर्म पीस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा स्टांस है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं और मैं इस स्टांस की जस्टिफिकेशन में अपने आर्गुमेंट्स दूंगा कि अफगानिस्तान में आज जो एक पीस डील चल रही है उस पीस डील को सही मायनों में इन ट्रू एसेंस इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। उसकी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि अफगानिस्तान पिछले 200 सालों से जंग का हब बना हुआ है, यहाँ सिविल वॉर्स चल रही हैं, यहाँ प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। तो एक मुल्क जो एक लंबे अरसे से जंगों का शिकार होता है वहां पर पीस मेंटेन करना इन द शॉर्ट रन वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब मैं अपनी इस स्टांस की जस्टिफिकेशन में कुछ आर्गुमेंट्स देता हूं। देखें जी, हम सबसे पहले अफगानिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया कि पिछले 200 सालों से ये जंग का हब है, यहाँ जंगें लड़ी गई हैं। अगर हम 19th सेंचुरी को देखें, 1812 ये वो दौर है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी, फ्रांस के खिलाफ कुछ ममालिक लड़े थे। इसी दौर के अंदर एंग्लो रशियन वॉर्स जो है वो शुरू हुई और रशिया और इंग्लैंड की टसल पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट हुई। और ये वही दौर था जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश की हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी और अपना कदम जमा चुकी थी। और जो ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश थे और सब कॉन्टिनेंट से ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी वो रशिया के अंडर थी, वहां रशिया का इन्फ्लुएंस था और उससे ऊपर रशिया था। तो इस पूरे दौर में 1812 से लेकर 1900 तक का जो पूरा दौर है इसके अंदर रशिया और ब्रिटेन के दरमियान इस टेरिटरी के अंदर जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, अफगानिस्तान था, एक ग्रेट गेम चलती गई। ग्रेट गेम क्या थी? पॉलिटिकल डिस्प्यूट चलता रहा और एक यहाँ पर एक इनडायरेक्ट टसल इन दो मुल्कों की चलती रही। मकसद था कि इस पूरे रीजन में हम अपना इन्फ्लुएंस कायम करें। इसे कहा जाता है द ग्रेट गेम बिटवीन रशिया एंड इंग्लैंड। मकसद क्या था इन दो मुल्कों का इस रीजन में लड़ने का? रशिया का मकसद था कि रशिया चाहता था कि मैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान और फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट तक अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लूं ताकि मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिल सके वार्म वाटर्स तक, गर्म पानियों तक। रशिया को आज तक गर्म पानियों तक डायरेक्ट एक्सेस हासिल नहीं है, जिसकी वजह से रशिया इकोनॉमिकली अभी तक जो है वो कमजोर है, ताकतवर नहीं हो सका। तो रशिया का ये मोटिव था कि मैं डायरेक्ट नीचे वार्म वाटर्स तक एक्सेस हासिल करूं, इंडियन ओशन, अरेबियन सी तक, जिसको सब कॉन्टिनेंट डायरेक्ट एक्सेस जो है वो देता है। तो अफगानिस्तान के अंदर इंग्लैंड और रशिया की इनडायरेक्ट टसल रही ऑलमोस्ट 100 साल, जिसकी वजह से अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहा। इसी दौरान 3 दफा अफगानिस्तान के अंदर एंग्लो अफगान वॉर्स लड़ी गई अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके दरमियान, एक 1839 में, एक 1878 में और एक 1919 में। तो ये 3 जंगें जो थी, इनकी वजह से भी अफगानिस्तान डेवास्टेशन का शिकार रहा। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये थे कि अफगानिस्तान 1935 तक स्टेबल नहीं रह सका। ऑलमोस्ट 135 साल से अफगानिस्तान तक डिस्टेबलाइज था। तो 1935 में एक किंग आया जिसका नाम था किंग जाहिर शाह। उसने अफगानिस्तान को ओवरटेक किया एज अ मोनार्क और अफगानिस्तान की डायनामिक्स को स्टेबल करना शुरू किया। किंग जाहिर शाह एक लिबरल किंग था। इसने अफगानिस्तान की डायनामिक्स को लिबरलाइज किया और अफगानिस्तान के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए। 1965 में किंग जाहिर शाह के खिलाफ एक पार्टी खड़ी हुई अफगानिस्तान में, उसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये दरअसल जो पार्टी थी, इसका टिल्ट सोवियत यूनियन की तरफ था। ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म जो फिलॉसफी थी उससे इंस्पायर्ड थी इसकी लीडरशिप, और इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका प्रेसिडेंट था दाऊद, मोहम्मद दाऊद, जो कि एक तरह से कजन था किंग जाहिर शाह का। इन्होंने किंग जाहिर शाह की गवर्नमेंट को टॉपल किया, किंगशिप को टॉपल किया और खुद आकर ओवरटेक कर लिया एज अ गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अब जब ये अफगानिस्तान में आए तो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी। वो लैंड रिफॉर्म्स ये थी कि बड़े बड़े जो कबाइल के लीडर्स थे, मालिक्स थे, उनसे जमीनें लेकर छोटे छोटे मजारों को बांटना शुरू कर दी, जो एक काम अयूब खान ने 1950s के अंदर 60s के अंदर शुरू किया था। एग्जैक्टली मोहम्मद दाऊद ने भी वही काम शुरू किया। तो जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो इनके खिलाफ भी बगावत हुई और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी गिरा दी गई। और फिर एक गवर्नमेंट आई जिसका सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट था। उन्होंने भी आकर यही काम किया कि लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, जिनके खिलाफ दोबारा से बगावत शुरू हुई, जिसे सावर रेवोल्यूशन 1978 कहा जाता है। और उस सावर रेवोल्यूशन में एक बड़े लेवल पर अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। उस गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन, रशिया को इनवाइट किया कि आप अफगानिस्तान आए और आप क्रश करें इन इंसर्जेंसीज को जो हमारे खिलाफ बगावतें हो रही हैं, इनको क्रश करें ताकि हम अफगानिस्तान में आपके इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया, अपनी फौजें उतार दी। तो यहां तक तो हमने देखा अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 170 साल डिस्टेबलाइज रहा। पहले बड़ी ताकतें आकर अफगानिस्तान में लड़ती रहीं और जब वो गई तो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर्स स्टार्ट हुई। अब हम आते हैं असल पॉइंट पे, जहां से असल मसला आज की डायनामिक्स शेप होती है, एंड दैट इज सोवियत अफगान वॉर 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, हमला तो नहीं किया, खैर फौजें उतार दी अफगानिस्तान के इन्विटेशन पे, तो सबसे पहला थ्रेट पाकिस्तान को गया। क्यों? पाकिस्तान को इस वजह से गया कि पाकिस्तान को पता था सोवियत यूनियन का अल्टीमेट एम है वार्म वाटर्स तक एक्सेस हासिल करना, गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल करना, और अगला टारगेट हम हो सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है। असल मकसद तो सोवियत यूनियन का वार्म वाटर्स तक आना है और उसको हम एक्सेस दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सामना हुआ एक खतरे का कि ये एक सुपर पावर अगला अटैक हम पर कर सकती है, हम इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसी टाइम पर अमेरिका को भी ये खतरा लाहक हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन की उस टाइम में कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका को ये खतरा हुआ कि आज अगर सोवियत यूनियन वार्म वाटर्स तक चला गया तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, समंदरों के थ्रू अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पर कर लेगा, और ये जो कोल्ड वॉर है इसमें हमें शिकस्त ना हो जाए। अगर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर गया सोवियत यूनियन तो वहां अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा हम आपको फंडिंग करते हैं, आप अपने लोगों को, आप ये जो ट्राइबल बेल्ट है अपनी केपी के रीजन के जो लोग फाटा के लोग हैं इनको ट्रेनिंग दें, इनके दिमागों में जिहाद का नैरेटिव डालें, इनको कहें, इनको समझाएं कि आपके नेबरिंग कंट्री जो कि एक इस्लामिक कंट्री है उस पर एक सोवियत यूनियन ने, एक एथियस्ट कंट्री ने आकर अटैक कर दिया है तो आप पर जिहाद नाफिज हो गया। आप उन्हें ये बात उनके दिमागों में डालें, हम आपको फंडिंग करते हैं। और जब एक दफा उनके दिमागों में ये बात डल जाए तो उनको आप ट्रेनिंग दें, CIA आपको ट्रेनिंग देगी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग की, हमें वेपन्स प्रोवाइड किए, हमने अपने लोगों को जिहाद का नैरेटिव दिया। ये पता कैसे दिया? ये वो दौर था ज़िया इस्लामाइजेशन। आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स में एक टॉपिक पढ़ा हुआ इस्लामाइजेशन ऑफ ज़िया। ज़िया ने पूरी सोसाइटी को इस्लामाइज कर दिया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर अमेरिकन फंडिंग थी, जो प्रेशर था आपके ऊपर कि आप अपने लोगों में जिहाद का नैरेटिव डालें और उनको अफगानिस्तान में जाकर लड़वाएं। हमने फाटा के लोगों को, अपने ट्राइबल बेल्ट के लोगों को तैयार किया, उनको जिहाद का नैरेटिव दिया और उन्हें कहा कि आप अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान जाकर आप जिहाद लड़ें, आप पर जिहाद फर्ज हो गया। वो लोग, उनको ट्रेनिंग दी गई, वो लोग, उन लोगों को अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया गया, वो गए और उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दी। दे वर कॉल्ड मुजाहिदीन एट दैट टाइम, क्योंकि वो जिहाद लड़ रहे थे। दे वर कॉल्ड मुजाहिदीन। अब स्टूडेंट्स अक्सर ना कंफ्यूज होते हैं कि मुजाहिदीन तो ठीक है, ये तालिबान कौन है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये मुजाहिदीन और तालिबान में डिफरेंस क्या है। ये जो मुजाहिदीन थे ना, ये हमारे लोग थे जो जिहाद का नैरेटिव लेकर गए। इन्होंने अफगानिस्तान जाकर लड़ना शुरू किया और इनको कुछ अफगानिस्तान के ग्रुप्स ने ज्वाइन कर लिया। दे वर कॉल्ड मुजाहिदीन, ठीक है। इसी तरह से ना एक ग्रुप था अफगानिस्तान के अंदर जिनका जंगों से कोई ताल्लुक नहीं था। दे वर मुस्लिम मिशनरीज, जो आज तबलीगी जमात वाले पाकिस्तान में तबलीग का काम करते हैं ना, एक ग्रुप था वो तबलीग का काम किया करता था, ठीक है। उन्हें तालिबान कहा जाता था। तालिबान का वर्ड निकला तालिब से, तालिब मीन स्टूडेंट। इनका जंगों से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग इस्लाम की तबलीग किया करते थे। इन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तान से लोग आए हैं, उन्हें हमारे कुछ फैक्शंस ने ज्वाइन किया है और वो जिहाद लड़ रहे हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो हमारे ऊपर भी फर्ज है कि हम उनको सपोर्ट करें और हम भी जिहाद लड़ें सोवियत यूनियन के खिलाफ। उन्होंने मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद लड़ा। दे वर कॉल्ड तालिबान। ये जो तालिबान है और मुजाहिदीन है, इन्होंने जिहाद लड़ा और 10 साल की जंग के बाद इन्होंने सोवियत यूनियन को कंपेल किया, निकाल दिया अफगानिस्तान से। इन्हें सपोर्ट किया पाकिस्तान ने और यूएस ने। अब सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान से निकला तो अमेरिका ने देखा कि अब मेरा तो इंटरेस्ट खत्म हो गया है अफगानिस्तान में। अमेरिका ने, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि ये जो लोग हमने, जिनको जिहाद का नैरेटिव दे के अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया था, अब वो वक्त आ गया है कि हम इन्हें वापस बुलाएं और इनकी रिहेबिलिटेशन करें, रिपैट्रिएट करें और ये अपनी आम जिंदगी गुजार सकें। अमेरिका ने कहा कि जी हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब आप जाने और ये मुजाहिदीन जाने, हम यहाँ से जा रहे हैं। वहां से सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया, अमेरिका विड्रॉ कर गया, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया अफगानिस्तान में फॉर पावर सीकिंग। और अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। वहां पर मुख्तलिफ ट्राइब्स आपस में लड़ना शुरू हो गए पावर सीक करने के लिए कि हम पावर में अल्टीमेटली आएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो तालिबान थे ना, उन्होंने जंग छोड़ी और अपना वही काम शुरू कर दिया तबलीग का। वो अपने उसी सेटअप पे आ गए। अब जो मुजाहिदीन थे ना, वो दरअसल बहुत ज्यादा थे और वो पावरफुल ग्रुप था। ये मुजाहिदीन और वहां के लोकल ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो गए फॉर पावर सीकिंग इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई 1990s। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को कहा कि आप ऐसा करें, आप आपस में ना लड़े, आप पूरा जो आपस में यूनाइट हो जाए, हम आपको अफगानिस्तान में पावर में ले आते हैं और एक दफा पावर में आ गए तो आप अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस संभालेंगे, अफगानिस्तान को आप गवर्न करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान ने देखा कि इस टाइम पर अगर हमारी बनाई हुई अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ जाए तो हमारी अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, हमारा अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस होगा और अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगी कभी भी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इस मकसद से पाकिस्तान ने उन्हीं मुजाहिदीन को समझाया कि आप आपस में ना लड़ें, आप आपस में मत लड़ें, हम आपको पावर में ले आते हैं। लेकिन मुजाहिदीन ने बात समझी नहीं और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए और वो जो मुजाहिदीन थे वो दरअसल तीन ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। आपस में लड़ते हुए वो तीन ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। एक मुजाहिदीन का जो ग्रुप था उसको लीड करना शुरू कर दिया बुरहानुद्दीन रब्बानी ने, ठीक है। एक ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया अब्दुल रशीद दोस्तम ने और एक ग्रुप जो था उसको सपोर्ट करना लीड करना शुरू कर दिया गुलबदीन हिकमतयार ने। ये तीन लीडर्स थे, गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल रशीद दोस्तम, बुरहानुद्दीन रब्बानी। ये तीन मुजाहिदीन के ग्रुप से स्प्लिट हो गए थे और आपस में लड़ पड़े थे। जो अब्दुल रशीद दोस्तम था ना, उसने अपना ग्रुप लिया और वो अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में चला गया, नॉर्थ अफगानिस्तान में। और नॉर्थ अफगानिस्तान में कुछ उज़्बेक्स ताजिक्स ग्रुप्स थे, उसने उनके साथ अलायंस बनाया और वो नॉर्थ में जाकर सेटल हो गया। और उसने जो नॉर्थ में उन जो लोकल ट्राइब्स के साथ अलायंस बनाया उसे कहा जाने लगा नॉर्दर्न अलायंस। सुनते हैं आप लोग आजकल अखबारों में, खबरों में, न्यूज में, नॉर्दर्न अलायंस। ये वो नॉर्दर्न अलायंस है जो अब्दुल रशीद दोस्तम ने बुनियाद रखी थी नॉर्थ अफगानिस्तान में, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस है ये साइडलाइन हो गया और मुजाहिदीन आपस में लड़ना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान ने देखा कि जो मुजाहिदीन है इनके बस की बात नहीं है गवर्नमेंट में आना, तो पाकिस्तान ने जो तालिबान थे उनसे एक डील की, उन्हें कन्विंस किया। तालिबान के जो लीडर था वो मुल्ला उमर था। मुल्ला उमर को कन्विंस किया कि इस टाइम पर अफगानिस्तान में जो सिविल वॉर हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोग मर रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, इस टाइम पर आपकी जरूरत है अफगानिस्तान को, आप यहां पर पॉलिटिकल सेटअप में आए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो मुल्ला उमर ने क्या किया, मुल्ला उमर एक रिलीजियस लीडर था, उसकी बहुत फॉलोइंग थी, वो कंधार में पैदा हुआ था। और मुल्ला उमर ने कंधार से ऐलान किया कि आज से मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च कर रहा हूं, क्या आप मेरे हाथ पे बैत करते हैं। तो एक ही दिन में कंधार पूरे का पूरा फतह हो गया, मुल्ला उमर ने कंधार को फतह कर लिया। एक दिन में कंधार के लोगों ने कहा हम आप पे बैत करते हैं और विद इन 2 to 3 years अफगानिस्तान में पूरे के पूरे अफगानिस्तान को तालिबान ने ओवरटेक कर लिया विद देयर मिलिटेंट स्ट्रगल। और एक छोटा सा पोर्शन रह गया नॉर्थ साइड जहां पर नॉर्दर्न अलायंस था। उसके अलावा 80% टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर चुके थे अफगानिस्तान में तालिबान। और 1996 में तालिबान ने पहली दफा अपनी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाई अफगानिस्तान में, जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और पूरी दुनिया में उनको किसी ने लेजिटिमेसी नहीं दी, उन्होंने कहा ये लेजिटिमेट एक्टर्स नहीं है। तालिबान गवर्नमेंट पे तो आ गए और जब वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में आए तो तालिबान की जो गवर्नेंस थी वो बड़ी कमाल की गवर्नेंस थी, बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस थी उनकी। लेकिन तालिबान को एक जगह मार पड़ी और वो क्या जगह थी, वो थी डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन। उनमें डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन नहीं थी। तालिबान की गवर्नेंस की के ऊपर मुख्तलिफ ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं, वेस्टर्न ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस की इन्होंने। लेकिन जहां इन्होंने मार खाई वो डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन थी, इनमें डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन नहीं थी, इनमें वो तरीका नहीं था किस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे मुल्कों के साथ आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। तालिबान ने 1996 में आती गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया में जितने जिहादी ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं वो अफगानिस्तान आए, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। वहां से एक बहुत बड़ा नफरत का एलिमेंट, एबहोरेंस का एलिमेंट आया वेस्टर्न कंट्रीज में और उन्होंने सैंक्शंस लगा दी तालिबान के ऊपर। और तालिबान का ही एक ट्रेन किया हुआ ग्रुप अलकायदा, इन्होंने 1999 के अंदर कीनिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया और वहां से अमेरिका ने मजीद तालिबान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी और हालात खराब हो गए। अभी ये सारे मामला चल रहे थे कि 2001 में 9/11 का वाकया होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज हिट होते हैं और अमेरिका अलकायदा को ब्लेम करता है कि जी अलकायदा इसमें मुलविस है और इन्होंने हिट किया है अमेरिका को और हम इनसे बदला लेंगे। अमेरिका तालिबान को कहता है कि जी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसामा बिन लादेन अलकायदा का फाउंडर जिसने जो मुलविस है अटैक्स में वो अफगानिस्तान में आपके पास है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमें उसके हवाले कर दें, हमारे हवाले उसको कर दें। तालिबान ने कहा कि जी हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, आप हमें सबूत दें, आप हमें प्रूफ दें कि उसामा बिन लादेन मुलविस है, अलकायदा मुलविस है, हम फिर इसको आपको इसके हवाले आपके हवाले कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके आपके हवाले इसको नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अगर आप इसको हमारे हवाले नहीं करें तो आप भी भुगतने के लिए तैयार। अगला पाकिस्तान को फोन आया कि जी क्या आप हमारे साथ हैं, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। मुशर्रफ ने कहा कि जी हम आपके साथ हैं और हमें अमेरिका का साथ देना पड़ा उन्हीं लोगों के खिलाफ जिनको हम पावर में लेके आए। और 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अमेरिका का साथ दिया, अब नेटो फोर्सेस को जो है वो रास्ता दिया और नेटो फोर्सेस आज भी पाकिस्तान उनको नेटो को देता है रास्ता और अमेरिकन फोर्सेस को रास्ता देता है फिजिकली जो ऑपरेट करती हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया, तालिबान की गवर्नमेंट को अमेरिका की तरफ से टॉपल किया गया। तालिबान जाकर जंगलों में, पहाड़ों में, वादियों में जाकर छुप गए और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया अगेंस्ट अमेरिका। अब इस पूरे सिनेरियो में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हु आर गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड तालिबान। ये गुड और बैड तालिबान में डिफरेंस पता क्या है, ये दरअसल हमारे लोग थे सारे। जब हमने अमेरिका का साथ दिया ना तालिबान के खिलाफ, तो ये तालिबान दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। एक वो ग्रुप था जो जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने हमारे बच्चों को मारा है, अब हम भी पाकिस्तान के लोगों को मारेंगे। उन्होंने एंटायर पाकिस्तान एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी और मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया और टेररिज्म स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में। और उस ग्रुप को इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया ने फंडिंग करना शुरू कर दी और आज तक इंडिया उनको फंडिंग करता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहते हैं। दे आर बैड तालिबान। गुड तालिबान कौन है? गुड तालिबान वो ग्रुप था जिसे पता था कि पाकिस्तान बैकएंड पे हमारे साथ है, पाकिस्तान बेशक दुनिया को दिखाने के लिए इस टाइम अमेरिका का साथ दे रहा है लेकिन बैकएंड पे पाकिस्तान हमारे साथ ही है। वो पाकिस्तान के साथ लॉयल रहे और वो आज भी पाकिस्तान के साथ लॉयल है। अब 2001 में ना अमेरिका ने एक पपेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में इंस्टॉल कर दी, हामिद करजई की, और ये 2013 तक हामिद करजई पावर में रहा और 2001 से 2013 तक अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो एंटायर पाकिस्तान थी। अब पहले 8 साल 2001 से 2008 तक अमेरिका और पाकिस्तान की आपस में पार्टनरशिप चलती रही अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करता रहा। 2008 में अमेरिका को समझ आ गई कि ये जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, हमसे पैसे ले रहा है और उल्टा तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ये तो पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है, हमें तो मदद नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली और 2008 से आज तक अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर दी, डू मोर मंत्रा जो है वो यूज करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आपको हम पैसे दे रहे हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे। और ये चलता रहा और उसके बाद 2014 के अंदर एक गवर्नमेंट आई, हामिद करजई की गवर्नमेंट खत्म हुई, अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई जो कि अभी तक चल रही है। अशरफ गनी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता था लेकिन स्टिल जो है उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था, इंडिया का प्रेशर था और अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात उसी तरह से सारे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अफगानिस्तान और में जो तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, नेटो फोर्सेस लड़ रही थी, अमेरिकन फोर्सेस लड़ रही थी। 2009 में ओबामा ने जब इलेक्शन जीता तो ओबामा ने अनाउंस किया कि हम अमेरिका से अपनी फोर्सेस विदड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमारा अमेरिकन का पैसा यहाँ पे बहुत लग रहा है और हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। जब जब अमेरिका में ओबामा ने बात की हम फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं अफगानिस्तान से, तब तब नेटो फोर्सेस पे, अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक्स होते थे, उनकी कैजुअलिटीज होती थी और एक गमो गुस्सा आता था अमेरिका के अंदर कि ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स को हम अभी खत्म नहीं कर पा रहे, ये उल्टा हमारी फोर्सेस की कैजुअलिटीज के अंदर मुलविस है। तो जब जब ये होता था तब तब अमेरिका अपनी फोर्सेस मजीद बढ़ा देता था, ठीक है। और इस पूरे दौर में अमेरिका और इंडिया की जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई तो इंडिया ने इसी दौर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और अफगानिस्तान के अंदर जो सोसाइटी है उसकी सिंपथीज लेना शुरू कर दी, उनकी सपोर्ट लेना शुरू कर दी। और आज ये सिचुएशन है कि इंडिया की बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान की सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इंडिया ने बिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका के साथ मिलकर वहां इन्वेस्ट किए और वहां की सोसाइटी को एंटायर पाकिस्तान बनाने में इंडिया किसी हद तक कामयाब हुआ। अब सिचुएशन ये है कि अभी तक ये जंग चल रही है, ये कंटिन्यू है, लेकिन इस टाइम पर सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो इस तरह से डिफरेंट है, अब अमेरिका भी यही बात कर रहा है कि हम अपनी फोर्सेस विथड्रॉ करना चाहते हैं। पहले जब अमेरिका ये बात करता था हम अपनी फोर्सेस विड्रॉ करना चाहते हैं, तब तब अमेरिका के ऊपर अटैक्स हो जाते थे, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। आज अमेरिका कहता है कि हम अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, तो आज अमेरिका की फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं होता। आज तालिबान कहते हैं जी आए, हम आपसे पीस डील करने को तैयार है, आए करें हमारे साथ बात और निकले यहाँ से। पाकिस्तान कहता है जी आए, हम आपकी टॉक्स को फैसिलिटेट करने को तैयार है, आप निकले यहाँ से। पता है क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, 2009 के अंदर अगर अमेरिका वहां से विड्रॉ कर जाता तो उस टाइम पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और एंटायर पाकिस्तान ग्रुप्स वहां पर डोमिनेट करते थे, तालिबान डोमिनेट नहीं करते थे। तो वहां जो गवर्नमेंट आती वो एंटायर पाकिस्तान होती, वो टोटली एंटायर पाकिस्तान होती, और वहां पर वो अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होती रहती। आज अफगानिस्तान की टेरिटरी को दोबारा से 80% तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं। आज अगर अमेरिका निकलता है तो आज जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आएगी वो तालिबान डोमिनेटेड गवर्नमेंट आएगी। तालिबान की गवर्नमेंट का मतलब पाकिस्तान इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट आएगी, उस पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की ये अचीवमेंट है, फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने 19 साल पूरी दुनिया की एक ग्रेट पावर को इंगेज रखा अफगानिस्तान में, एक मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ। एक छोटा सा ग्रुप 19 साल एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक छोटे से ग्रुप से अफगानिस्तान में लड़ती रही और वो ग्रुप को खत्म नहीं कर सकी, उल्टा आज वो ग्रुप अफगानिस्तान की दोबारा 80% टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर चुका है। नेटो फोर्सेस, अफगान फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस के होते हुए आज वो दोबारा से अफगानिस्तान की 80% टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर चुका है। इस पूरी कहानी के पीछे पाकिस्तान था, जिसका मकसद था स्ट्रेटेजिक डेप्थ अचीव करना, इन्फ्लुएंस अचीव करना अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान अपने उस मकसद में किसी हद तक कामयाब हुआ। आज वही अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारी इनसे जान छुड़वाएं और हम यहां से निकलना चाहते हैं। और आज एक पीस डील साइन हो रही है, उस पीस डील में अमेरिका और तालिबान आमने सामने बैठे हैं। 19 साल जो दो एक्टर्स आपस में लड़े, अमेरिका जिन्हें टेररिस्ट कहता रहा, आज अमेरिका उन्हीं टेररिस्ट के साथ बैठकर टेबल टॉक्स कर रहा है और आज उनको एक पॉलिटिकली लेजिटिमेसी देने को तैयार है, जो कि 1996 में अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों ने नहीं दी थी। आज यूएन, वेस्टर्न ताकतें, अमेरिका उन्हीं तालिबान को टेररिस्ट नहीं कह रहा, आज उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देने को तैयार है। आज उनसे पीस डील साइन हुई है, जिसे दोहा अकॉर्ड कहते हैं, कतर अकॉर्ड्स कहते हैं। इस सारे के पीछे पाकिस्तान के ट्रस्ट थे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट थी कि हमने अमेरिका को एंगेज रखा अफगानिस्तान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान? क्या अफगानिस्तान में अमन आ सकता है? मैं जाती तौर पर समझता हूं अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता, अनफॉर्चुनेटली। और अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इन नियर फ्यूचर हम हमारे टेररिज्म से और सेपरेटिज्म से और ये जो प्रॉक्सी वॉर्स, हाइब्रिड वॉर्स से जान नहीं छूट सकती। उसकी दो तीन बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर वन, एक आर्ग्यूमेंट जहां से मैंने अपनी बात स्टार्ट की थी वो ये थी, एक आर्ग्यूमेंट ये था कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बफर जोन बन चुका है वो बड़ी ताकतों के दरमियान, जहां बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट है, और एक मुल्क जो 200 सालों से जंगों का एक हब बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसमें 6 महीने या 8 महीने का एक पीस प्रोसेस है, आप उधर पीस इंश्योर कर दें? पहली बात कि एक ऐसा मुल्क जो 200 सालों से जंग का हब है, उसमें आप विद इन 6 months, 8 months, 1 year, 2 year, 3 years शॉर्ट टर्म में पीस को इंश्योर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की जो इंटरनल डायनेमिक्स है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अफगानिस्तान में पीस आना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है? पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि अफगानिस्तान के लोगों के अंदर ना टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं है, वतनियत नहीं है, पैट्रियटिज्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है ना, हम लोगों में पाकिस्तानियत है, वतनियत है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म, हमने अपने इस वतन से मोहब्बत है। अफगानिस्तान के लोगों में ना टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों में है ट्राइबल नेशनलिज्म। वहां के लोगों की लॉयल्टीज अपनी टेरिटरी के साथ नहीं, अपने रिस्पेक्टिव ट्राइब्स के साथ, और हर ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ रहा है फॉर पावर सीकिंग। आप मुझे बताएं कि कैसे पीस आएगा? इससे भी बड़ा आर्ग्यूमेंट, अफगानिस्तान में पीस क्यों नहीं आ सकती इन द शॉर्ट रन? ये इसलिए नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस टाइम पर जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आपस में बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। नंबर 1 तालिबान, नंबर 2 अफगान गवर्नमेंट, एंड नंबर 3 नॉर्दर्न अलायंस प्लस रिस्पेक्टिव ग्रुप्स जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ साथ एंटायर तालिबान एक्टिविटीज में मुलविस है और एंटायर गवर्नमेंट एक्टिविटीज में मुलविस है। अब ये ट्रायंगल है, ये 3 मेन एक्टर्स हैं अफगानिस्तान में, और ये तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और ये एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि तालिबान टेररिस्ट हैं, दे आर नॉट लेजिटिमेट एक्टर्स। तालिबान कहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट इज नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये अमेरिकन पपेट है। और नॉर्दर्न अलायंस तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनमें कुछ शिया ग्रुप्स भी हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो अफगानिस्तान की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स के साथ अगर सिर्फ इंटरनली अफगानिस्तान के मसाइल हों फिर भी इसको हल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन इंटरनल डायनामिक्स के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो हैं वो मौजूद हैं जो जिसकी वजह से अफगानिस्तान में पीस मेंटेन करना मुमकिन नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की इस जंग के अंदर, इस पूरे मसले के अंदर 6 ममालिक इन्वॉल्व हैं, 6 कंट्रीज, ठीक है, और वो 6 कंट्रीज हैं यूएस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और रशिया। ये 6 मुल्क अफगानिस्तान के अंदर जो इस टाइम मसाइल चल रहे हैं, ये 6 के 6 मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और ये 6 मुल्क आपस में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट देयर राइवल ग्रुप्स। क्या एक मुल्क अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है दूसरे मुल्कों की निस्बत? क्या पाकिस्तान अपने इंडिया के इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा? अफगानिस्तान कभी भी नहीं करेगा। क्या इंडिया अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या अमेरिका रशिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, असल में इनके इंटरेस्ट क्या है, अब हम उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो इन नियर फ्यूचर तो हल होने वाला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि मेरी अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो। स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज सिंपली द इन्फ्लुएंस दैट पाकिस्तान इज सीकिंग इन अफगानिस्तान, कि मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट हो उसको मैं कंट्रोल करूं, मेरा इन्फ्लुएंस हो, सिंपल। ठीक है, ताकि अफगानिस्तान की जमीन मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। और नंबर 2, मुझे अफगानिस्तान के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस मिल सके टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन मार्केट्स जो कि एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्रीज है। पहला मसला। अच्छा, अब दूसरा इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि इंडिया चाहता है मेरी भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो अफगानिस्तान में, ताकि मैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रख सकूं, ताकि पाकिस्तान का कश्मीर की तरफ नैरेटिव वो कमजोर होता जाए, पाकिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज रहे। मैं अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाता रहूं। दूसरा, मुझे एक्सेस मिल सके डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो बिल्कुल ऑपोजिट इंटरेस्ट हैं इन सिर्फ दो मुल्कों के। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये दो मुल्क बैठकर अफगानिस्तान में बात कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट मोटिव्स हैं और दोनों अपने ऑपोजिट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान, और ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंडल्ज्ड है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, अमेरिका, ईरान एंड रशिया। चाइना चाहता है अफगानिस्तान में मेरा इन्फ्लुएंस हो और अफगानिस्तान में पीस आ जाए। अब चाइना अफगानिस्तान में पीस चाहता है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। क्यों? क्योंकि जितने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स के रास्ते गुजर रहे हैं, सीपैक के रास्ते गुजर रहे हैं, और अब चाइना और ईरान $400 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बना रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान से गुजर रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक, चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 25 इयर्स, $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स, वो किसी काम की नहीं है। रशिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस आ जाए, लेकिन रशिया चाहता है मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आए। अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब जो है वो बहुत हद तक जो है इस टाइम पर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। अब पाकिस्तान रशिया को एक्सेस देने को तैयार है टुवर्ड्स इंडियन ओशन। अब रशिया और पाकिस्तान एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और रशिया एक और कॉरिडोर पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये दोनों कॉरिडोर्स अफगानिस्तान से गुजर रहे हैं और रशिया चाहता है अफगानिस्तान पे अमन आए मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ईरान के क्या मोटिव्स हैं? ईरान के मोटिव्स हैं जो शिया ग्रुप्स हैं। ईरान की हमेशा याद रखें, फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट्स है जो पूरी दुनिया में, खास तौर पे मिडल ईस्टर्न एंड एशियन रीजन में जितने ममालिक हैं और उन ममालिक में जितनी शिया कम्युनिटीज बसती हैं, ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। उन तमाम शिया कम्युनिटीज को ईरान प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करता है। अफगानिस्तान में जो शिया कम्युनिटीज हैं, उज़्बेक्स, हज़ारास, ताजिक्स, ईरान उनको प्रोटेक्ट करता है, ईरान उनको मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देता है अगेंस्ट अमेरिकन ट्रूप्स। ठीक है, और एक हद तक ईरान पहले तालिबान के भी खिलाफ था, लेकिन अब अमेरिका अब ईरान की तालिबान के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बन चुकी है। अब ईरान के तालिबान के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम है ना, काउंटिंग यूएस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ यूएस। सॉरी जी, एक सेकंड प्लीज, इधर आप आ जाए, मैं वेट कर रहा हूं क्लास में, आप आ जाए। अच्छा, व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, हमें बड़ी सुन के खुशी हुई कि पाकिस्तान ने इतनी चालाक तरीके से हमने एक सुपर पावर को इंगेज रखा है अफगानिस्तान, उसे पता भी नहीं चलने दिया, और अमेरिका बेवकूफों की तरह लड़ता रहा है और अभी तक लड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को बहुत अच्छे से पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, और अमेरिका 19 साल तालिबान से लड़ता रहा, और ये सारी गेम बाहर खड़े होकर बैठ के देखता रहा कि पाकिस्तान हमारे साथ कैसे गेम खेल रहा है। इसमें अमेरिका बेवकूफ नहीं बना, हम चालाक नहीं ज्यादा थे। अमेरिका को सारी बात का पता था कि अमेरिका, पाकिस्तान हमसे पैसे लेता है, तालिबान को सपोर्ट करता है। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पीनलाइज क्यों नहीं किया? अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कोई एग्रेसिव एक्शंस लेकर उनको क्यों खत्म नहीं कर सका, और वो क्यों जो है वो बेवकूफ जान के बनता रहा? उसका जवाब ये है, अमेरिका ने जब भी किसी रीजन में जाके जंग लड़ी है, उसका मकसद उस रीजन में जंग जीतना नहीं था, कभी भी नहीं था। अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा रहा है, जब भी अमेरिका ने जाके कोई जंग लड़ी है, उस मसले में, उस क्राइसिस को मजीद खराब करना, जहां पर एक मसला चल रहा है उस मसले को मजीद खराब करना, और उसके आसपास जो अमेरिका के दुश्मन बैठे हैं, राइवल्स, उनकी कंटेनमेंट, उन पे नजर रखना, उनको मॉनिटर करना, उनको कमजोर करना, ये मकसद रहा है। जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क में जाकर जंग लड़ी है, उसका मकसद रहा है आसपास अपने राइवल्स पे नजर रखना, उनको कंटेन करना। इराक पे हमला किया ना 2003 में अमेरिका ने, क्यों किया? ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान के पास अपनी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए, ताकि ईरान को डिस्टेबलाइज कर सके। अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया, उसका कंसर्न कभी भी टेररिज्म नहीं था। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। आप 2018 की पेंटागॉन की स्टेटमेंट पढ़ें, जहां पर पेंटागॉन की स्टेटमेंट कहती है, पेंटागॉन वाले कहते हैं अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट टेररिज्म नहीं रहा, अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है इंटर स्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। और इस इंटर स्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में हमें खतरा है चाइना से और रशिया से। अमेरिका यहां पर तालिबान को खत्म करने, टेररिज्म को खत्म करने नहीं बैठा। अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है चाइना और रशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अमेरिका नहीं चाहता सीपैक, बीआरआई, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इन कॉरिडोर्स के थ्रू एक ईस्टर्न विंग, जिस तरह आज वेस्टर्न विंग है ना जो आज पूरी दुनिया को चला रहा है, ये ना हो कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो हमारी बराबरी में खड़ा हो जाए, दो सुपर पावर्स और ऊपर आ जाए और ये एक जो यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका की जो प्रेजेंस है उसका असल मकसद है चाइना और रशिया को काउंटर करना। ये पेंटागॉन की स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, 2018 की। डॉन में एक आर्टिकल आया था अशरफ जहांगीर काजी का, द ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर, वो पढ़िएगा जरा। उसमें कोट किया हुआ उसने पेंटागॉन की स्टेटमेंट को कि पेंटागॉन लिखता है कि हमारा कंसर्न टेररिज्म नहीं है, हमारा कंसर्न है इंटर स्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, और इस इंटर स्टेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में हमें चाइना और रशिया से खतरा है। ये आर्टिकल जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं आज भी रेलेवेंट है, 2018 में डॉन में अशरफ जहांगीर काजी ने लिखा था, ये जरा पढ़िएगा आर्टिकल द ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर, आपको उसमें ये रेफरेंस मिल जाएगा। तो अब आप ये देखें कि जी 6 मुल्क विद डाइवर्जेंट इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। क्या आप मुझे जवाब दें, क्या ये मुल्क आपस में अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर सकते हैं? किसी दूसरे अपने राइवल के इंटरेस्ट की खातिर अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं कि कैसे पीस आ सकती है अफगानिस्तान में। अभी भी जो एक इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान, वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। अगर फर्ज किया इन दो एक्टर्स के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा जाता है, व्हाट अबाउट नॉर्दर्न अलायंस, व्हाट अबाउट ISIS एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको कैसे खत्म करेंगे जो इन सबके खिलाफ लड़े? एंड व्हाट अबाउट द फैक्शंस जिन्हें इंडिया सपोर्ट करता है, वो ताकतें सपोर्ट करती हैं जो चाहती हैं यहां स्टेबिलिटी ना आए। अब एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका अमन नहीं चाहता, इसे डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, तो अमेरिका क्यों विड्रॉ कर रहा है? अमेरिका क्यों कह रहा है कि जी हम विड्रॉ करते हैं और हम अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करते हैं? अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए और अपने टैक्स पेयर्स को दिखाने के लिए ये कर रहा है कि हम यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, आज आप बात लिख लें, अमेरिका कभी भी कंप्लीट विड्रॉल कभी भी नहीं करेगा अफगानिस्तान से। चले फर्ज किया कर लिया, तो अमेरिका का एक और विशेष एजेंडा है, वो क्या है? अमेरिका अब प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है, वो प्राइवेट कंपनीज जिनकी अपनी फौजें हैं, अपनी फोर्सेज हैं, जो मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर उन मुल्कों की बेस पे जंगें लड़ती हैं। डाइनकॉर्प का नाम सुना आपने? डाइनकॉर्प्स, ब्लैकवाटर्स। अमेरिका अब इन कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है कि आप हमारी जगह जाकर लड़ें। मकसद अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, चाइना की कंटेनमेंट है, रशिया की कंटेनमेंट है। और दूसरी तरफ इंडियन ओशन के अंदर अपना इंफ्लुएंस कायम करना है, जहां पर अमेरिका इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है बना के अमेरिका ने रखी हुई है, जिसे US इंडिया 2+2 डायलॉग कहते हैं, जिसमें इंडिया और अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोआ, बैका, सिस्मोआ, कॉमकासा, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये सारे वो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, जिनसे मकसद जिनका है अमेरिका का कि वो चाइना को कंटेन कर सके, रशिया को कंटेन कर सके। और सबसे आइडियल लोकेशन उसके लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि सारे कॉरिडोर यहां से गुजरे हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि स्टेबल हो। तो मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बताता चलूँ आपको कि मैं समझता हूँ अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है इन द शॉर्ट रन पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज से कुछ 40-50 साल बाद हम कुछ कह सकते हैं कि शायद इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स चेंज हो जाए, तब कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे आने वाले 5-10 सालों के अंदर, 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर पीस पॉसिबल नहीं है। अगर अमेरिका सडन विड्रॉल भी कर लेता है तो वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट होगी, अफगानिस्तान फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा जैसे हिस्ट्री में रहा। तो यहाँ पर पीस इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स अभी तक सर जोड़ कर बैठे हैं और वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इस चीज में कोशिशें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का हल निकल सके, लेकिन नहीं निकल सका। मैंने आपके सामने बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रख दिए, अगर आप इसको निगेट करना चाहें तो जरूर आप इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दें मुझे। इन आर्ग्यूमेंट्स को होते हुए, इन मसाइल के होते हुए अफगानिस्तान में पीस जो है वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मुझसे आप पूछें, ऑडियंस के और जो होस्ट हैं। खुदा आप कोई काउंटर क्वेश्चंस मेरे से हैं आप मुझसे पूछ सकती हैं, फिर मैं उसको एड्रेस करता हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनलाइटनिंग सेशन। ऑडियंस से अगेन आई रिक्वेस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो फील फ्री टू ड्रॉप देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उनको रीड कर सकूं एंड योर क्वेश्चन शुड बी एबल टू रीच अस और मैं उनसे सर से सवाल कर सकूं। Meanwhile, जब तक ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करती है, मैं आपसे सर कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि SAARC है या ECO है, इनका रोल किस हद तक वायबल है इन द अफगान वॉर? सिर्फ हम ये देखते हैं, कहा जाता है, एक होप का इजहार किया जाता है कि अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट जो है दैट इज इम्पेंडिंग इन पाकिस्तान, तो शायद SAARC के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाए और शायद रीजन के कुछ जो इश्यूज हैं उनमें कन्वर्जेंस आना शुरू हो जाए। आपकी क्या राय है कि रीजन का या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहाँ तक इसमें रोल अदा हो सकता है? देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने, बड़ा वैलिड पूछा है। इसमें देखें हमने आपने दो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट सवाल पूछा, मैं आपको तीन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता चलूँ। SAARC की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहली बात तो है कि SAARC इस टाइम पर डिसफंक्शनल है, उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान और इंडिया की जो टसल इस टाइम पर चल रही है की इश्यूज के ऊपर, खास तौर पे जो कश्मीर का मसला है, टेररिज्म है, सियाचिन है, ये मसाइल इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ का विजिट करते हैं पाकिस्तान का, फिर भी इन मसाइल को हल होते होते कम अज कम 10-15 साल लगेंगे। कभी भी मुल्क अपने की इंटरनेशनल जो नेशनल ट्रस्ट होते हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर बायलैटरल इश्यूज किसी हद तक पहुंचते भी हैं, लेकिन जो इनकी इंटेंसिव राइवलरीज हैं इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो SAARC तो वैसी डिसफंक्शनल अदारा है। चले मान लिया SAARC एक अच्छा फंक्शनल अदारा हो गया, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए, व्हाट अबाउट द अदर 4 एक्टर्स ऑफ यूएस, रशिया, चाइना एंड ईरान? उनका तो SAARC में कोई लेना देना नहीं है। तो SAARC तो ऐसे इन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकता। और सेम इज द केस ऑफ ECO। ECO भी एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ECO में 10 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, इंडिया ने पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड अफगानिस्तान और 4 ये मुल्क हैं, 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब ये 10 मुल्क जो हैं, इन 10 मुल्कों के अंदरूनी मसाइल भी खत्म नहीं होते, जिसकी वजह से ये ECO में कोऑपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल, इकोनॉमिक इश्यूज, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, अफगानिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर सिविल वॉर्स चलती हैं, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है, ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, टर्की के अपने ज्योग्राफिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क आपस में जिन एरियाज में इनको कोऑपरेशन करनी चाहिए, जिस वजह से ECO बनाई थी, ये वहां पे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये अफगानिस्तान में कैसे कोऑपरेट करेंगे? अच्छा, मान लिया कि ये सारे कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, सवाल तो फिर यही है, व्हाट अबाउट द अदर 5 एलिमेंट्स, स्टेक होल्डर्स, इंडिया, अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया एंड चाइना? रशिया, चाइना, अमेरिका तो इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया तो इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड दैट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनमें 4 बड़े एलिमेंट्स, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। ये वो चार एक्टर्स जो अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, चारों एक्टर्स एससीओ का हिस्सा है। इन चार मुमालिक ने एससीओ का अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए एक अफगान कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया हुआ है एससीओ के अंदर, जिसका मकसद है अफगानिस्तान के मसले को हल करना। फिर वही मसला कि एससीओ के अंदर तो पाकिस्तान इंडिया तो आपस में कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, चाइना और रशिया भी अपने इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक दूसरे से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। एंड व्हाट अबाउट ईरान एंड यूएस, वो तो है ही नहीं इसका हिस्सा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो बड़े लिमिटेड होते हैं। वो उस रीजन के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर ममालिक आ रहे होते हैं और उन ममालिक के अंदर आपस में कोई मसाइल चल रहे हो ना, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनको किसी हद तक सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें मुल्क किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अफगानिस्तान का स्पेसिफिकली मसले को हल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको रीजन दे दी कि जो अदर स्टेक होल्डर्स है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कोऑपरेट इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। प्लस दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल एक्सेप्ट एससीओ। ठीक है, तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इन ऑर्गेनाइजेशन का वो रोल नहीं हो सकता अफगानिस्तान के मसले को हल करने का जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, या जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो उसका हल नहीं निकाला जा सकता। सर, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि जैसा कि आपने मेंशन किया कि अमेरिका कभी भी कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ फोर्सेस नहीं करेगा, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू कि ऑल्दो वो अपनी आर्मी को तो विथड्रॉ कर रहे हैं, बट दे आर हायरिंग ब्लैकवाटर एंड अदर सच मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशंस इन ह्यूज स्कोर्स। कहा यह भी जाता है कि जहां 20% अगर आपके पास ऑन ग्राउंड मिलिट्री है, तो 80% उन्होंने इस तरह के मर्सनरीज हायर किए हुए हैं, और उसमें उनको एक ये वाला एडवांटेज भी है ऑब्वियसली कि उनकी जो कैजुअलिटीज हैं या उनके जो एक्सपेंसेस हैं, वो अपने टैक्स पेयर्स को नहीं बताते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक सॉलिडारिटी भी कायम रहती है। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किस हद तक है ये चीज कि एक तरफ तो ये चीज है कि अमेरिका कंप्लीट विथड्रॉल कर ले, तो ऑब्वियसली वहां पर इट वुड स्पाइरल डाउन इनटू यू नो डिजास्टर, और दूसरी तरफ ये चीज है कि अमेरिका की स्टिल एक प्रेजेंस है वहां पर। तो हाउ डू यू थिंक व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑफ इट जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट कर जाए? देखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये है, नंबर वन, जो आप बात करिए ना कि जो प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, वो तो एक बहुत खतरनाक बात है। उससे अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर और अफगानिस्तान की जो इंटरनल डायनामिक्स है, वो मजीद डिस्टेबलाइज होंगी, और जब तक अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज है। ये तो पाकिस्तान के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि अमेरिका इन द शॉर्ट टर्म अभी प्रेजेंस रखे अफगानिस्तान। ठीक है, अमेरिका पार्शली आहिस्ता आहिस्ता अपना विड्रॉल करे, अमेरिका सडन विड्रॉल अफगानिस्तान से ना करे। मीनवाइल अमेरिका यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर डेवलप करके जाए अमेरिका, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप करके जाए, तालिबान के साथ एक प्रॉपर डील जो दोहा एकॉर्ड के थ्रू हुई है उसको इम्प्लीमेंट करके जाए, और ये यकीनी बना के जाए कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम स्टेक होल्डर्स हैं, वो कॉपरेशन के साथ अफगानिस्तान के अंदर मिल बैठकर गवर्नमेंट चलाएं, और जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ मिल बैठकर इकट्ठे जॉइंट ऑपरेशंस करके उनका खात्मा करें, स्पेशली आईएसआईएस। और दोहा अकॉर्ड्स में अफगानिस्तान को जो तालिबान है, इन्होंने गारंटी भी दी है अमेरिका को कि हम पॉलिटिकली लेजिटिमेट एक्टर्स के तौर पर हम अफगानिस्तान के अंदर बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल राइवल्स की प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, और जितने टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं हम मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो पाकिस्तान के लिए आइडियल सिनेरियो क्या है? अफगानिस्तान से अमेरिका इस टाइम पर सडन विड्रॉल ना करे, वो पार्शली अपनी फोर्सेस अभी यहाँ बिठाए, मीनवाइल अफगानिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशंस, अफगानिस्तान के अंदर पीस मेंटेन करके फिर विड्रॉ करे। लेकिन अमेरिका तो ये नहीं चाहता, अमेरिका के तो और एजेंडाज हैं। तो बताने का मकसद, ये चीजें आइडियल सोल्यूशंस तो हैं, जब आप सीएसएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर सोल्यूशंस को आप यही देंगे अल्टीमेटली, लेकिन ये रियल सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये दो मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, यहाँ पर ये कन्वर्ज करने को तैयार नहीं है, और ये एक ही तरह हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो कि डायनामिक है। हर 15, 20, 25 साल बाद आप देखती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चलेगा हर 20-25 साल बाद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इवॉल्व करता है, चेंज होता है, जो दुश्मन है वो दोस्त मान जाते हैं, दोस्त दुश्मन मान जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कि आज से 10-15 साल बाद क्या होता है, क्या अमन अफगानिस्तान में आ सकता है या नहीं। उस टाइम पर इन मुल्कों के इंटरेस्ट क्या, वक्त बदलने के साथ साथ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बदलने के साथ साथ क्या इनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं या नहीं, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये जो अफगानिस्तान का मसला ये हल हो सकता है, अदरवाइज कोई इसके जो है वो हल नजर नहीं आता। Right. So we have a question from the audience by Dr. Masood. If Afghanistan peace process fails, will it be a threat for CPEC? Sorry, मैं समझ नहीं सका, आप थोड़ी सी जरा ऊंचा बोलिएगा, आवाज नहीं मुझे आई। Sure. Sir, we have a question from the audience. This one is by Dr. Masood. If Afghanistan peace process fails, will it be a threat for CPEC? बिल्कुल, CPEC के लिए तो थ्रेट है ना। देखिए, CPEC ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर CPEC की 2-3 डोमेन्स में आपको बताता हूँ। तो नंबर 1, एक तो रोड्स बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहां आप इंडस्ट्रीज लगा रही है। तीसरा, आपके बिजली के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ये जो कॉरिडोर्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, ये क्या करते हैं, ये एक मुल्क को विद इन कंट्री भी कनेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज को, और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2 मुल्कों को भी आपस में, 3 मुल्कों को भी आपस में कनेक्ट करता है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जितनी ट्रेड गुजरेगी, अगर खुदा ना खास्ता वहां उस ट्रेड के ऊपर अटैक हो जाता है तो बिलियन ऑफ ट्रेड्स जो है वो जाया हो सकती है। ठीक है, तो आप CPEC तब तक यहां से नहीं गुजार सकते जब तक कि आपका यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्या पता वहां पर जो एंटायर पाकिस्तान ग्रुप्स हैं वो रोड्स ही आपके तबाह कर दें, जो आपने अंडर पासिस बनाए हैं, ओवर पासिस बनाए, उनको तबाह कर दें। तो व्हाट अबाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, आपकी ये सारी चीजें, ये जो आपकी ट्रेड है उनको लूट लें, फिर क्या आप कर सकते हैं? रिस्क है ना। तो आपकी जहां स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छा उससे भी बड़ी बात, ये सारी चीजें एक साइड पर, CPEC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आप एक्सपेक्ट करें कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अगर आपका मुल्क का एनवायरनमेंट ही स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? आपके मुल्क में टेररिज्म है, साथ आपकी नेबरिंग कंट्रीज में टेररिज्म है, तो क्या जर्मनी, जापान जो और ये इस तरह के जो मुल्क जो दुनिया को इकोनॉमिकली लीड कर रहे हैं, क्या वो अपने यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, सबमिंग प्लांट्स लगाएंगे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में? कभी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, CPEC आपका उसको थ्रेट रहेगा। और फिर अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल होती रहेगी अगेंस्ट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो मसले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से आपके लोग आते हैं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, चले जाते हैं। तो आप किस तरह से इन चीजों को सिक्योर करेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सिक्योर करना चीजों को। सर, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन करूंगी कि सिंस CPEC इज सेड टू बी टू बिग टू फेल, और सिंस चाइना का बहुत ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व है CPEC के साथ, इनफैक्ट जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं, CPEC इज सेड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वन, एंड आफ्टर ऑल ये इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है। तो हाउ फार डू यू सी कि चाइना की सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट या सॉफ्ट पावर के अलावा क्या उसकी हार्ड पावर डिप्लोमेसी भी हमें दिखाई दे सकती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ CPEC एंड फॉर सिक्योरिंग इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें उसकी बाहर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है? क्या आप समझते हैं कि चाइना की अफगानिस्तान में कोई हार्ड पावर डिप्लोमेसी या इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हमें फ्यूचर में दिखाई दे सकती है? हमें नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि अगर चाइना अपनी हार्ड पावर डिप्लोमेसी यूज करेगा तो वायलेंस तो ज्यादा बढ़ेगा ना, वायलेंस कम तो नहीं होगा। ऑलरेडी आपको वायलेंस को खत्म करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर यूज करनी है ना। चाइना करता है, कोऑपरेशन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। अगर चाइना भी अपनी हार्ड पावर यूज करेगा तो वहां तो वायलेंस मजीद बढ़ेगा। तो आप अफगानिस्तान के मसले को कैसे सही कर सकते हैं? तो यहाँ तो बात यह है कि आपको जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल टॉक्स पे बिठाना है। अगर चाइना भी अपनी फौजें उतार दे, अपने यहाँ पर ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दे, वो अमेरिका के ग्रुप्स को अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, वो इंडियन ग्रुप्स के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, तो वायलेंस तो मजीद बढ़ेगा ना। चाइना के तो इंटरेस्ट में ये बात ना हुई। चाइना तो चाह रहा है उधर पीस और स्टेबिलिटी आए, तो चाइना क्यों अपनी हार्ड पावर यूज करेगा? ठीक है, ये चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना के इंटरेस्ट में यही है कि सॉफ्ट पावर के थ्रू, निगोसिएशंस के थ्रू, समिट्स के थ्रू, इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कोशिश करे चाइना के इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाए और ये मिल बैठकर किसी एक जो है वो पॉइंट के ऊपर ये आपस में कोऑपरेट करें, जहां पर ये एक दूसरे को कंपनसेशन दें। अगर यहाँ वायलेंस मजीद बढ़ता है, वो चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है, ये मुल्क चाहते हैं। और यही वजह है कि इस टाइम पर ये मुल्क जो है वो एक बड़े इंथ्यूजियास्टिकली ये अफगानिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने 1-2 महीने पहले देखा, शाह महमूद कुरैशी का रशिया का विजिट था, 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, अफगानिस्तान के परस्पेक्टिव से। और फिर चाइना का विजिट था। तो ये मुल्क जो है इस टाइम पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पीस आए यहाँ पर। तो अगर यहाँ चाइना हार्ड पावर इस्तेमाल करता है, वो उसके अपने इंटरेस्ट में नहीं होगा, वायलेंस मजीद बढ़ेगा यहाँ पर, और जो डायनामिक्स और खराब होगी अफगानिस्तान। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इसके साथ ही मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी। जाने से पहले आई लाइक टू मेंशन कि सीपीआई में हमारा सेशन सीएसएस का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। इसके साथ साथ पीएमएस का स्पेशल एक्सक्लूसिव टेस्ट सेशन और सीएसएस का एक्सक्लूसिव टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है from 1st June and 10th of June respectively. इसके साथ साथ हमारी फ्री सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हम 24/7 फ्री काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं। हमारा बाई वीकली बुलेटिन आपके लिए बाई वीकली अवेलेबल होता है, जिसमें आपको केयरफुली क्यूरेटेड पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया के आर्टिकल्स और ओपिनियंस मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द पेड आर्टिकल्स जो कि आपको ऑनलाइन वैसे फ्री में नहीं मिलते। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमें फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। If you want to get registered for the regular sessions or you want to register for the test sessions, we are always available for you. You can always reach us out and we'll be happy to help. Once again, sir, thank you so much for your kind presence. It has been a wonderfully enlightening session and I hope we'll see you soon, inshallah. You're welcome, Huda. Thank you very much. Inshallah, आपके साथ ऐसे ही live session होते रहेंगे और wish you all the best for your new work. Thank you very much. Thank you so much, sir. नाज़रीन, इसके साथ साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कीप वाचिंग फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। दिस इज डॉक्टर